प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको मैं दोबारा स्वागत करते हैं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ द गॉड जीरो। आज मैं धापोरिजा पर हूँ। हमारा इवांजेलिस्ट अपारिगा मैडम का टेस्टिमनी लेने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 2004 में वो हरप्पा प्रेयर सेंटर में एक यूथ के तौर पर रहा करती थी। उस समय हम दोनों की मुलाकात हुए और आज 2022 हो गया, लगभग 18 साल हो गया एक दूसरा को नहीं मिल पाया, लेकिन आज ईश्वर ने हम दोनों को फिर से मिलाया। उसका टेस्टिमनी इस प्रकार है, वो 9 साल तक अपना शरीर का इलाज के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं और से, मेडिकल की ओर से कहीं चंगाई नहीं पाया। अंत में उन्होंने परमेश्वर को अपनाया, यीशु मसीह का पास आया, और 9 साल के बाद जब वो यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया, तो उन्होंने चंगाई पाया। उसका बीमार क्या था और कैसे करके चंगाई पाया, उसके बारे में उन्हीं के जीवन से सुनते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। मैडम, मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर ग्लोरी ऑफ द गॉड जीरो। थैंक यू सर। मैडम, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आज जो आपका टेस्टिमनी को जो सुनने वाला है, उन्हें आप अपना परिचय दे। प्रेस लॉर्ड, मेरा नाम एवेंजेलिस्ट अपारिगा रवि है। मैं प्रभु का काम कर रहे हैं, ये अपर सुबर्ण डिस्ट्रिक्ट धापोरिजो में सियासे पुलिस कॉलोनी चर्च में मिशनरी के रूप में काम कर रहा है, और उनका अपर सुबर्ण है। मैडम, मैंने ऐसे सुना है आप प्रभु को जानने से पहले, यीशु मसीह के पास आने से पहले हिंदू धर्म का जो शिव को आप प्रार्थना करता था, तो कैसे करके आप क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ? चौथा से बीमार का है, बहुत तकलीफ में था। बीमार जो काशी हो के ना, काशी हो के मतलब पूरे चौथा में तो बहुत ब्लीडिंग भी हो गया था ना एक बार ना। मेरा पिताजी तो चौथा में मर गए ना, भाई चाचा जो धंधा भी किया ना, मेडिकल भी बहुत किया भैया लोग ना। तो उस समय आपका उम्र कितना था? लगभग 8-9-10 साल ऐसे ऐसे होगा। जी जी। सिर्फ भगवान को मानने से अच्छा होता है, आदमी लोग बताते हैं शंकर भगवान को मानने से अच्छा होता है। हम भी शंकर भगवान को बहुत मानना शुरू हो गया ना। शंकर भगवान को मानने से चंगाई मिलता है। चंगा मिलेगा। तब प्रेम को रख के अगरबत्ती जला के ना माना है। हमारे दृष्टि में धापो जो मंगा मंदिर बोल के इतना बड़ा मंदिर है अभी तक है, जो शिव का मंदिर, उसमें सब लोग जाता है। तलिया से हम लोग पैदल गया हुआ हमें वो पूजा करने के लिए, पूजा करने के लिए। वो भी मतलब अपना मतलब अच्छा होने के लिए, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो लास्ट में हमको जो देखभाल करने वाला भैया जो बोला है आपको इतना ट्राई किया है ना, मेडिकल भी बहुत ले गया, दवाई भी बहुत छीन दिया है, और धंधा भी किया नहीं होता है। अभी आप अपना खुशी से जियो, अपना खुशी रहो, अभी सुंदर हो गया बड़ा है ना। जी जी, मतलब वो ट्रीटमेंट करते करते आपका भैया जो ट्रीटमेंट किया आपको हर जगह में, मतलब जहाँ जहाँ अच्छे हॉस्पिटल थे वहाँ पर आपको मतलब ट्रीटमेंट करके देखा है, फिर भी आपका बीमार ठीक नहीं हुआ। भैया भी मतलब हार मान गया ना, तुम जो करना है तो करो, हम तो वो तक गया बोला है ना। हम भी बीवी बच्चा है, अपना बच्चा को अभी हम देखना है। तो भैया तो डॉक्टर पूजा भी कर चुका है, मेडिकल भी ले जा चुका है ना, सब कुछ ट्राई कर चुका है, इसलिए हम बहुत दुखी। हम क्या करेगा उसके, बहुत दुखी था। ऐसे बचा हम वैसे ठीक है ना, बहुत इसे सोचा। सब लोग शुद्ध माने बोलता है हरप्पा में तो बेटा था पहले, असली नाम तो है ना मैं बहुत सर। मतलब वो एक औरत है, औरत है बुआ लगता है मेरा ना, उसका घर में हम बैठे थे ना। ये एवेंजेलिस्ट लिचा अंतोनी को तो मालूम ही होगा। जी जी, अंतोनी। हाँ हाँ। लिचा अंतोनी मेरा दीदी, वो लोग दीदी क्रिश्चियन हो चुका था ना, हम तो क्रिश्चियन नहीं था। हाँ। क्रिश्चियन को बहुत नफरत करता था, लाइफ में क्रिश्चियन होगा सच्चा भी नहीं था। तो वो लोग प्रार्थना कर रहा था ना, खाना करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करने वाले सुन के बहुत जुकर लगा है ना, ठीक से आशा है ना। तो आप पहली बार क्रिश्चियन का प्रार्थना को सुना है, इसलिए क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या प्रार्थना क्या कर रहा है, हम ठीक से आशा है ना, बहुत जुकर लगा उसका मेडिकल ले गए। मेडिकल में संदेह था, 27 का शाम को ऐसा हुआ था, अभी सुनने से ना ठीक संदेह के दिन को तो डॉक्टर भी नहीं है मेडिकल में, इमरजेंसी डॉक्टर तो होता है तो आज अभी दिख नहीं, तो उस समय इमरजेंसी डॉक्टर भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। फिर हम क्या, हमको सीधा चर्च लेगा,
तो आपको कौन सा चार्ज मिलेगा? तो नाला में चार्ज मिलेगा पास, मतलब वो भी कृष्ण रिवर चार्ज में था ना? कृष्ण रिवर चार्ज में। अच्छा, वहीं पर आपको तया पास का मैं भी तक आते हैं। समय कौन था? एलन तया जो था, एलन तया पास। जी जी। तब नाला में चार्ज में आया, आया तो वहां में हमको प्रणाम कर दिया। जब प्रणाम करते समय पूरा पसना पसना आ गया, प्रणाम करने से काम चंगा हो गया। चंगा होने के बाद हम किशोर में कन्वर्ट हुआ है। मैडम, अभी जैसे आपने बताया, जब आप चर्च में आपको ले गया, वहाँ का पास्टर लोग जब प्रार्थना किया, आपको चंगाई मिल गया, ये बहुत अच्छा बात है। यही है परमेश्वर का महिमा। और मैंने ऐसा सुना है कि चंगा होने के बाद जब अपना घर दापो में जब आप वापस चला गया, तो वहाँ में आप फिर एक बार बीमार हो गया। लेकिन उस बीमार होते समय में नागालैंड का एक आदमी कुछ अपना प्रभु का दास का साथ लेते हुए आपका दापोरिजन गोस्पेलिंग के लिए आया था, तो आपका घर में भी उन लोग आया और आपको प्रार्थना कर दिया। तो आपका उस प्रार्थना के द्वारा कुछ अद्भुत आपने मतलब एक्सपीरियंस किया, मतलब अनुभव किया, उसको मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। हम जब दापोरिजन में कुछ आ गया था ना, आके हम मूर्त में बन के बैठ रहा था, तो हम अचानक से एक दिन फिर बीमार हो गया ना। तो बीमार होगा तो हम जो चर्च जाने भी नहीं सके है। हम बीमार होकर बैठा था, मेरा चाचा का घर में ना बुआ ने, उसने दो इवेंजल्स लेकर आया है, एक तो लुचा आंतोनी, एक तो नागा आदमी अकेतो लोके। हम जहाँ में बीमार होकर बैठा है वो वही घर में तक पहुँचा है, वही दुर्भ वही से हमको वो लोग ईटानगर से पहुँचा है, पहुँच के तो हम बीमार होकर बैठा था। हमको तो प्रणाम कर दिया एक तो इवेंजल्स, एक तो नागा वाला ना प्राणा कर, हाथ लगा कर इन्हें से प्राणा करा, तान से प्राणा किया, हम तो समझ में नहीं आया। प्राणा करने का मेरा माता में तंदा तंदा लगा है ना, तंदा तंदा लगने बाद हम थोड़ा बाद में हल्का लगा है ना, थोड़ा हल्का हल्का लग के कुछ बहुत हल्का लगा है, सुबह हम थोड़ा अच्छा अच्छा से हो गया ना। तो हमको बोले वो जो मेरा एक भैया जो बोले, तब तो चलिए हम लोग बुश्ती जाएगा, बोले ये बुश्ती में चर्च बनाएगा, गोस्पिटल जाएगा, छोड़ा बोला है आपका दोस्त लेके, दोस्त उनसे बुलाइए, बोले हम सब बीच में दोस्त लोग बुलाए हैं, मेरा दोस्त तीन तू को बुलाया है, हम बोल के चार तू, हम बागम बुश्ती में चला गया ना। बागम बुश्ती में चला गया तो हम लोग का एक बयान अभी ये दुनिया में नहीं है, उसका घर में हम लोग पहुँचा है। तो उसमें पहुँच के हम लोग शाम को पहुँच के वहाँ में खाना ना खाने के बाद हम लोग फिर प्राणा किया है, तो मेरा माता में और भी तंदा तंदा लग गया ना, तंदा तंदा माता में तंदा तंदा जैसे हो रहेगा, आम डायरेक्ट जाम हो गया, मतलब अपना खुद अपना जाम हो रहा है ना, क्या कैसे मुख से भी प्रा क्या क्या तांस निकल रहा है। तो हम कभी ऐसे होकर देखा, हम क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, हम मेरा आंख खुल गया। हम खोलने के बाद क्या हुआ है, मेरा आम पूरा बाजन पूरा जंपिंग हो रहा है, पूरा काका में जंपिंग हो रहा है, हम कंट्रोल नहीं कर सका है। तो लास्ट में हम गिर गया, हम गिर रहे बोल के मालूम है, लेकिन हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सका है ना, हम गिर गए। गिरने के बाद हम ठीक से उठ के हम ठीक से आशा है ना, हम क्या किया, ये क्या हो गया उसके ना, हम क्यों गिर गया, किस लिए हम गिरा थे उसके ना। सब लोग प्राणा कर, सब लोग ठीक से रो रहे हैं, मेरे दोस्त लोग कोई लोग टांग से पढ़ना करती थी तो तब टांग से पढ़ना ठीक थे, कोई लोग चिल्ला रहे हैं, हम ठीक से आस के बैठे हैं, हम कैसे किसे ऐसे हम किसे गिर रहे हैं, हम किसे जंपिंग गए सोच के ना, इसो के हम क्योंकि अभी हम देखे हैं तो पवित्र आत्मा मुझे छुआ है, तो नाम मालूम ही नहीं पवित्र आत्मा क्या, मुझे पता नहीं था, तो इसलिए हम पवित्र आत्मा नहीं जाने के कारण से एक सब अच्छा से अनंत एक्सेप्ट नहीं करने के कारण, हम ठीक से हंस के बैठने के कारण से क्या हुआ, हमको ईवील भी मिक्सचर किया हुआ ना। तो उसका बाद हम डायरेक्ट वही शाम से डायरेक्ट मेरा दिमाग जो कुछ काम नहीं कर रहा था ना, दिमाग जो रेसलेस हो गया, मतलब सोचने के लिए ना रेसलेस हो गया, तो सब आमेन हो गया, आमेन होने का सब चुस्ती हो गया, खत्म होने का, सोने के बाद भी हम रात को नहीं सो सका है, वही रात से जब से हम पैसे होने के बाद हम सोने नहीं सके ना, पवित्र आत्मा ऐसे होता है, पवित्र आत्मा ऐसे होता है, वही इसी मन में आता है। हम सोचा है कि हम आसमान में उड़ रहे हैं, यानी टांग है, इसलिए हम आसमान में उड़ रहे होते हैं ना, हम खुद को आसमान में उड़ रहे थे, आसमान में जब उड़ना शुरू हो हम खुद को उड़ गया ना, हम क्या करें खुद को मालूम नहीं है। तो बुश्ती का आदमी लोग बोला है, अभी सुना है, तो रात में पूरा हल्ला किया, क्या क्या किया, किसी किसी को भी आदमी मार दिया, बोला आदमी को जो छोरी जो गलत बात को डायरेक्ट तुम ऐसे ऐसे डायरेक्ट फोन करके बोलते बोला है ना, तो हमको तो मालूम नहीं है, तुम ऐसे गलत बोलते बोला, इसलिए एक आदमी को भी हम लाद मार दिया, तुम चदा करके आए लाद मार दिया, हमको मालूम नहीं है, पुजारी ने कभी पूरा घर में आने भी नहीं दिया, बोला तो ऐसे हो क्या, आदमी लोग सब बोल गया पागल हो गया बोला है ना,
आदमी लोग बड़ा बुझते आदमी लोग क्या बोला, क्रिश्चन लोग बीमार वालों को अच्छा करता है, बीमार होकर कृष्ण मान आते हैं, बोलता अच्छा बोला होता कृष्ण में आकर पागल हो गया ऐसे बोलना शुरू बोलता होगा ना। जब प्रार्थना करने के बाद आपको ऐसे लगा कि आपका अपना पंख हो गया और आप आसमान में उड़ रही है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप सच का अपना बदन को लेके आसमान में उड़ रहा था क्या ना? आप बदन शरीर तो धरती पर है लेकिन आत्मा में आप उड़ रहा था, ये बात को मैं जानना चाहता हूँ।